चैनल है नावर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ एक छोटा सा वीडियो है ये, जो कि मैंने शॉपिंग की थी नर्सरी में। तो सिर्फ प्लांट की कोई शॉपिंग नहीं है, प्लांट के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी मैंने शॉपिंग की है आज। तो मेरे और मम्मी के दोनों के भी गार्डन के लिए ये छोटी सी शॉपिंग की है। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ब्रिक्स, ये जो है ये कोकोपीट के ब्रिक्स है। पहले तो हम 1 किलो का पैक लाते थे, तो उसमें 20 रुपीज़ का 1 किलो का आता था। और वो जो पैकेट में का 1 किलो का जो कोकोपीट था, तो वो भिगोया हुआ कोकोपीट था। मतलब इसको जो हम पानी डालेंगे भिगाएंगे तो वो अलग हो जाएगा और उसमें मॉइस्ट ज़्यादा रहेगा। ये तो पूरा इसमें बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं है, तो ये तो टोटली ब्रिक्स है, वो भी कड़क वाली है। तो ये हमने लाए हैं 150 रुपीज़ को। ऐसे दो ब्रिक्स लाए हमने दोनों के लिए, मेरे मम्मी के गार्डन के लिए और मेरे गार्डन के लिए। थोड़ी सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं हम अभी से। तो ये 150 के दो लाए हैं। और ये सकुलेंट मिक्सर जो होता है, सॉइल मिक्सर, ये मैं तो कोई रिस्क नहीं लेती, ये रेडीमेड ही मैं लाती हूँ। 1 किलो का है, 80 रुपीज़ का सकुलेंट। और कैक्टस जो सॉइल मिक्सर होता है, तो वो रेडीमेड ही लाती हूँ। लगती भी मेरे को अभी थोड़ी थोड़ी ही मिट्टी लगती है। और मुझे एक्सपीरियंस था कि मेरे पूरे जो मैंने मंगाए थे मई में कुछ सकुलेंट ऑनलाइन, तो वो सभी पूरे के पूरे जल गए थे, क्योंकि सॉइल मीडिया अच्छा नहीं था जैसा कि रिक्वायरमेंट है सकुलेंट के सॉइल मीडिया के लिए। तो इसलिए मैं अभी तो रिस्क नहीं लेती, मैं तो रेडीमेड ही सॉइल मिक्सर यूज कर रही हूँ अभी। और ये नेक्स्ट है ये जो पंप है स्प्रे वाले, ये दो लाए हैं दोनों के लिए, मम्मी के लिए और मेरे लिए। तो ये 200 के है, मुझे लगता है इससे भी महंगे होते हैं अच्छे, लेकिन ये 200 के तो बहुत हो गए। 200 के दो लाए हुए हैं। और इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी किया है हमने, वो अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो ये है 200 के दो। और ये हमारे सकुलेंट के लिए थोड़ा सा बड़ा साइज है, 12 रुपीज़ का वन है फ्रेंड्स ये। तो ये मैंने चार लाए हैं, चार कलर के, घर में रखने के लिए जो सकुलेंट है उनके लिए ये बहुत सुंदर लगेंगे। और ये बड़े पॉट है, तो ये भी दो है, दोनों भी 30 रुपीज़ के। तो इसका साइज दिखाऊंगी मैं, तो ऐसा साइज है। एक बड़े वाले सकुलेंट के लिए या तो फिर फ्लावर प्लांट के लिए भी अच्छा लगेगा ये, अभी विंटर में तो बहुत सुंदर लगेंगे इसमें। या फिर कोई ऑर्नामेंटल जो प्लांट होता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छे लगेंगे दोनों भी पॉट, एक है और ये एक है, 30 रुपीज़ में। और ये पंप हमारे पास नहीं थे, ऑर्नामेंटल जो प्लांट रहे थे और या फिर पिटूनिया, तो हमारे पास ये पंप नहीं थे, इसलिए स्प्रे करने के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो दोनों के लिए साथ में ही लेके आ गई हूँ मैं। तो पूरे की टोटल हुई है हमारे 900 रुपीज़। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर गार्डनिंग का हमें शौक है तो थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।